अस्सलाम वालेकुम। हमने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे पहला प्रोजेक्ट इस प्लेलिस्ट का, जिसका नाम है कोड जनरेटर, कि हम लोग कोटेशंस को कैसे जनरेट कर सकते हैं एक एपीआई के जरिए। इस प्रोजेक्ट में हम लोग एपीआई को यूज़ करना सीखेंगे। हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हम लोग ट्विटर पे कैसे अपने वेबसाइट से किसी कोड को पोस्ट कर सकेंगे, और यहाँ पे एसिंक एवेट फैच एपीआई कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन है, हम लोग इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ देखेंगे और एक ब्यूटीफुल सा यूआई डिज़ाइन करेंगे कोड जनरेटर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको अगर वेबसाइट का ओवरव्यू दिखाऊं तो मेरे पास ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, ये प्रोजेक्ट सॉरी ओपन किया हुआ है। मैं अगर न्यू कोड पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर न्यू कोड आ जाएगा, इस बटन पर क्लिक करूँ, और अगर मैं इसको ट्विटर वाले बटन पे क्लिक करूँ तो ये मेरे ट्विटर के अकाउंट पे ऑफिशियली चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पोस्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ से पोस्ट कर रहा हूँ और ये मेरा यहाँ पे चला गया। तो आप यहाँ से इस ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है, और आप यहाँ और अपने आप यहाँ से जितनी मर्जी कोड चाहें ट्विटर पे या कहीं पर भी आप पोस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। लाइक अब मैं अगेन यहाँ पे करता हूँ, देखिए। तो आप इस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में, अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे गिट बैश ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पे सिंपल मैंने एक फोल्डर जनरेट किया कोड जनरेटर का, और मैंने यहाँ पे इसे वीएस कोड में ओपन करने लगा। तो अब ये फोल्डर वीएस कोड में इस टाइम ओपन हो चुका हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोड जनरेटर का फोल्डर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक फाइल जनरेट करता हूँ जिसका नाम index.html रख देता हूँ, और इसी के साथ एक और फाइल मैं जनरेट करता हूँ जिसका नाम मैं style.css रख देता हूँ, और एक और फाइल style.css और एक और फाइल जिसका नाम रखना था script.js। अभी ये एम्प्टी है और अभी इन फाइल्स में कुछ भी नहीं है, तो मैं index.html वाली फाइल पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके एमिट एब्रीवेशन के जरिए कुछ कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके टाइटल में लिख देता हूँ कोड जनरेटर, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ अपनी स्टाइल शीट को, तो मेरी स्टाइल शीट का लिंक यहीं पे है style.css में, और साथ ही मैं एक यहाँ पे स्क्रिप्ट को भी लिंक कर देता हूँ, स्क्रिप्ट फाइल जो मैं बॉडी के लास्ट पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को लिंक कर देता हूँ सोर्स के एट्रीब्यूट के जरिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ script.js, ठीक है। ये हमारा कोड जनरेटर में हम लोगों ने इतना काम कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं स्टाइल वाली फाइल पे। तो स्टाइल वाली फाइल पे आने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करना चाहूँगा, फ़ॉन्ट fmkcdn, क्योंकि मैंने कुछ फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, जिस तरह ट्विटर का बटन हम लोगों ने पहले देखा था, तो हम लोगों ने फॉन्ट्स यूज़ करने, उसके लिए मैं यहाँ से ये cdn, आप फ़ॉन्ट fmcdn लिखेंगे और ये वाला जो लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे यूँ, तो आप यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी करके मैं अभी यहाँ पे उसे पेस्ट कर रहा हूँ। ये लिंक मैंने फॉन्ट fmcdn का लिंक भी यहाँ पे लगा दिया, स्टाइल की फाइल भी लिंक कर दी, और बस ये अभी html में इतना ही। मैं इसे सेव करता हूँ और स्टाइल की फाइल पे आता हूँ। तो स्टाइल की फाइल पे आते ही मैं यहाँ पे html का टैग यूज़ करते हुए मैं इसे बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स साइजिंग दे देता हूँ, और साथ ही यहाँ पे मैं बॉडी सेलेक्टर यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन 0 कर देता हूँ इसका, और पैडिंग भी 0 कर देता हूँ, और साथ ही हम लोग यहाँ पे इसकी मिनिमम हाइट ले लेते हैं जो कि 100 व्यू पॉइंट हाइट है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हीरो पैटर्न्स को सर्च करते हैं। हीरो पैटर्न्स को सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हीरो पैटर्न्स, और ये
फर्स्ट वाली वेबसाइट पे, मैं अगर जाता हूँ फर्स्ट वाली वेबसाइट पे, तो कुछ इस तरह से हमें पैटर्न नज़र आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ लाइक ये पैटर्न अच्छा रहेगा कोर्स के वॉल वाला। तो फोरग्राउंड कलर हम लोग इसका रख लेते हैं ब्लैक रख लेते हैं, और सॉरी फोरग्राउंड कलर हम लोग इसका रख लेते हैं ब्लैक, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग इसका रख लेते हैं वाइट, ठीक है। और साथ ही इसकी ओपेसिटी ले लेते हैं इतनी, परफेक्ट। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पे बॉडी टैग में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ यूं हमें नज़र आएगा। मैं शिफ्ट ऑल्ट टैब इसकी भी कर लूँ। अच्छा, ये हमें कुछ यूं नज़र आएगा। उसी के साथ हम यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली भी सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले मैं कलर का बैकग्राउंड फॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि हमें ब्लैक चाहिए, तो मैं ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमें फॉन्ट फैमिली भी जो यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे आके गूगल फॉन्ट्स को सर्च करता हूँ, गूगल फॉन्ट्स। और गूगल फॉन्ट्स को सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे इन्हें एक्सप्लोर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये वाला फॉन्ट हम लोग यूज़ करेंगे। आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, तो अभी हम ये वाला फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो मैं इसे ले लेता हूँ सिलेक्ट स्टाइल, एंड 700 को मैं ले लेता हूँ यहाँ से ये। अच्छा, इन दोनों को लेके मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो ये वाला इंपोर्ट वाला लिंक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसके स्टार्ट में ही यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ कमेंट के साथ, फॉन्ट स्टाइल इंपोर्ट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसी के साथ मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को यूज़ करता हूँ, फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी भी कर सकता हूँ, तो मैंने ये डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर ली, और दो दफ़ा कॉपी हो गया। तो यहाँ पे आ गई फॉन्ट फैमिली हमारे पास, और इसी के साथ मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि 700 हम लोगों ने देखा हुआ है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे ले आता हूँ, और हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं, ताकि जो हमारा बॉडी हम लोग इसे एज ए फ्लैक्स ट्रीट कर सके, जिसके अंदर हम लोग कंटेनर वगैरह यूज़ करेंगे। और इसको फिर मैं अलाइन आइटम्स कर लेता हूँ सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी, मतलब कि हर चीज़ हम लोग इसे सेंटर में लेके आना चाहते हैं। फ्लेक्स बुक्स की प्रॉपर्टीज़ को मैंने पहले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पे जाके से लाजमी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको फ्लेक्स बुक्स की नहीं पता, अगर आपको CSS की प्रॉपर्टीज़ का भी नहीं पता, तो आप चैनल के अंदर जाके वीडियोस में CSS की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें हर चीज़ डिटेल से बताई गई है। तो जी, अब अगर हम इसे लाइव सर्वर में ओपन करें, तो ओपन विद लाइव सर्वर में से करता हूँ, और ये हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, इट्स लुक गुड। तो अब हम लोग यहाँ पे HTML के अंदर लेआउट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो लेआउट के लिए सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ div dot code container, क्लियर। और कोड कंटेनर लेने के बाद मैं यहाँ पे उसको ID भी असाइन कर देता हूँ, क्लास असाइन किया साथ ही ID भी, ID इक्वल टू कोड कंटेनर। पर हम लोगों ने फ्लैक्स लिया हुआ, नीचे हम लोगों ने कंटेनर ले लिया। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे कोड के लिए एक टिप लेते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कोड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास उसकी लेता हूँ कोड के लिए, जो मैं टिप ले रहा हूँ कोड टेक्स्ट, ठीक है। इसी के साथ मैं इसके अंदर एक क्लास ले लेता हूँ फॉन्ट एक्शन आइकॉन जो हम लोग यूज़ करें, और मैं इसकी क्लास ले लेता हूँ FAS फॉन्ट एसम, और FA कोट लेफ्ट, मतलब कि वो लेफ्ट जो कोटेशंस होती हैं उनके लिए ये मैंने यूज़ की है। तो अगर मैं ऐसे आपको लाइव प्रीव्यू में दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्पैन टैग हम लोग लेते हैं, और स्पैन के लिए हम साथ ID भी लेते हैं, ताकि हम लोग इसे जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकें।
तो मैं इसकी आईडी का नाम रख देता हूँ कोट। तो मैंने यहाँ पे एक आईडी ले ली कोट, और ये नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो मैं यहाँ पे अब ऑथर के लिए एक डिव बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ ऑथर के लिए, और यहाँ पे एड ऑथर की स्पेलिंग लिख दी है, और यहाँ पे मैं साथ ही एक डिव बनाता हूँ जो कि कोट के ऑथर के लिए होगी। तो मैं इसके यहाँ पे एम ई डब्ल्यूएशन के जरिए क्रिएट कर रहा हूँ, कोट ऑथर आ गया। और इसके अंदर एक इस तरह जिस तरह मैंने स्पैन में आईडी ली थी, इस तरह यहाँ पे भी आईडी ले लेता हूँ ए ऑथर के लिए, ए यू टू टी एच ओ आर। तो यहाँ पे ऑथर के लिए मैंने एक आईडी ले ली। इसी के साथ मैं बटन्स के लिए यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन के लिए एक क्लास ले लेता हूँ डिव, और यहाँ पर लिखता हूँ बटन कंटेनर। बटन जो हम लोगों ने न्यू कोड और ट्विटर के बटन ट्विटर के लिए जो यूज़ करना है तो हम लोग वो इसके अंदर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ जिसकी मैं क्लास लेता हूँ ट्विटर बटन। और उसकी मैं आईडी ले लेता हूँ ट्विटर, ठीक है। और इसके अंदर मैं टाइटल ले लेता हूँ, टाइटल इस वजह से जब हम इस पर ओवर करेंगे तो ये लिखाना चाहिए ट्वीट दिस, क्लियर। और मैं यहाँ पे एक और इसके अंदर एक और आइकन ले लेता हूँ इस बटन के अंदर, ताकि हम लोग ट्विटर के बटन को शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ FAB। जब भी हम लोग सोशल मीडिया आइकन्स को यूज़ करते हैं तो हम लोग FAB क्लास यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे FA ट्विटर ले लेता हूँ साथ इसके, क्योंकि हमें ट्विटर का आइकन चाहिए तो हम लोग यहाँ पे इसे ले रहे हैं। और मैं एक और बटन क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने न्यू कोड को करना है। तो मैं इसकी आईडी ले लेता हूँ न्यू कोड, और इसका टेक्स्ट भी मैं न्यू कोड ही लेता हूँ न्यू कोड। तो अब अगर मैं इसको देखूँ लाइव सर्वर में तो ये कुछ हमें यू नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ कोटेशन इसके लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वर्क अंटिल यू नॉट सक्सीड, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑथर अननोन, तो ये हमें कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसको स्टाइल करने की तरफ। तो स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस की फ़ाइल मैंने ओपन की है, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले जो कोड कंटेनर है उसकी क्लास को सिलेक्ट करता हूँ, कोड कंटेनर, और इसके अंदर मैं इसकी विड्थ जो है वो ऑटो कर लेता हूँ, विड्थ इसकी मैं ले लेता हूँ ऑटो, और इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 900 पिक्सल इनफ रहेगी। तो 900 पिक्सल मैंने ले ली। और इसकी पैडिंग पे अगर मैं बात करूँ तो पैडिंग शुड बी 20 पिक्सल अप डाउन और 30 पिक्सल राइट लेफ्ट, क्लियर। तो ये हम लोगों ने इसकी पैडिंग ले ली। उसके बाद बॉर्डर रेडियस मैं इसका ले लेता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर, मैं इसका बैकग्राउंड कलर अगर लूँ तो RGBA में इसका बैकग्राउंड कलर लेता हूँ 255 एंड 0.4 ओपेसिटी के साथ। तो अगर मैं इसको अगर अब आपको दिखाऊं तो ये हमें कुछ यूं अभी नज़र आ रहा है। अभी इसमें कोई हमें फ़र्क वाजिया नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर बॉक्स या डो लूँ तो ये हमें थोड़ा सा वाजिया हो जाएगा। 0 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं RGBA, और RGBA में यहाँ पे यूज़ करके 0 0 0 और 0.4
टू का अगर इसका बॉक्स या डालूँ तो आई होप कि ये हमें ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमें जो है जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया था वो हमें नज़र आ रहा है। मैं अगर इसका अगर मैं इसके अंदर ये वाइट वाला ज़्यादा कर दूँ तो ये हमें कुछ यूँ नज़र आएगा, ज़्यादा वाइट हो गया सॉरी, ये हमें यूँ कुछ नज़र आएगा इतना वाइट। तो आई होप कि ये इतना ठीक लग रहा है तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं और बॉक्स या डोबी हम इसे फोर कर दें तो ये बेस्ट रहेगा। फोर ज़्यादा हो गया, थ्री तो थ्री बॉक्स शैडो परफेक्ट अच्छा लग रहा है। अगर हम इसे टू फाइव कर दें तो ये 0.2 ही ठीक है। ठीक है, हम लोग इसे 0.2 ही रख लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोड टैक्स के ऊपर। तो कोड टैक्स के लिए मैं यहाँ पे से सिलेक्ट करता हूँ कोड टैक्स, और कोड टैक्स में यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ, फॉन्ट साइज का मैं ले लेता हूँ 2.75 रैम। इस वजह से मैं ले रहा हूँ बिकॉज इसका सिंपल आंसर ये है कि ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए लिया जाता है। 1 रैम इक्वल टू 16 पिक्सल और 2.75 रैम आप उसे कैलकुलेट कर लें। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए लिया जाता है ताकि रैम के यूनिट हम लोग इस वजह से यूज़ करते हैं जब हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे डॉट लॉन्ग कोड की जो क्लास मैंने ली थी अभी लॉन्ग कोड में यूज़ नहीं कर रहा आई थिंक, तो मैं इसे लॉन्ग कोड की क्लास ले लेता हूँ ताकि जब हम लॉन्ग कोड यूज़ करेंगे तो हम लोग वहाँ पे 2 रैम मतलब कि जब हमारी कोटेशन का साइज लंबा हो जाएगा तो हम इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर से मैनेज कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और क्लास लेता हूँ एफ ए कोट लेफ्ट, जो हम लोगों ने कोटेशन के लिए ये जो हमारा कोटेशन का साइज़ है इसको इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसका साइज़ रख देता हूँ फॉन्ट साइज 4 रैम। क्लियर, अब इसको अगर चेक करूँ तो काफ़ी इंक्रीज हो चुका और ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये 4 रैम पे ले लिया और इसी के साथ हम लोग अब ऑथर भी आते हैं। ऑथर अभी हमारे पास जो है वो अननोन डिस्प्ले हो रहा है। तो कोट ऑथर पे मैं अगर आऊँ तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कोट ऑथर, यही क्लास थी आई थिंक, यही थी ठीक है यही क्लास थी। तो मैंने कोट ऑथर की क्लास को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसका मार्जिन टॉप से अभी आप देखें तो ये बड़ा साथ चिपक के मतलब ये जुड़ा हुआ आ रहा है। तो मैं इसका मार्जिन लेता हूँ मार्जिन टॉप और मैं इसका मार्जिन ले लेता हूँ 15 पिक्सल। ठीक है, और इसका अगर मैं फॉन्ट साइज लूँ तो फॉन्ट साइज शुड बी 2 रैम, और अगर इसका मैं फॉन्ट वेट लूँ तो फॉन्ट वेट इज 400। तो ये अब थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, तो इसका फॉन्ट स्टाइल क्योंकि ऑथर है तो इसका फॉन्ट स्टाइल आई थिंक अटैलिक अच्छा लगेगा। तो अटैलिक अगर मैं करता हूँ तो ये कुछ और मज़ीद ब्यूटीफुल लग रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने बटन के कंटेनर पे। ठीक है, तो मैं बटन कंटेनर की क्लास को सिलेक्ट कर रहा हूँ और बटन कंटेनर की क्लास को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे उसका मार्जिन टॉप लेता हूँ। देखेंगे अगर आप बटन देखें तो बटन भी बड़े साथ चिपक के आ रहे हैं, जुड़े हुए आ रहे हैं। तो मैं इसका मार्जिन टॉप ले लेता हूँ, मार्जिन टॉप इसका ले लेते हैं 15 पिक्सल। अगर मैं अभी इसे सेव करके दिखाऊँ तो ये कुछ थोड़ा सा फास्ट लाइन में आ चुका हुआ है। और इसी के साथ मैं इसके डिस्प्ले करता हूँ फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स सॉरी। ठीक है, फ्लैक्स करके मैं इन्हें यहाँ पे फ्लैक्स की प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते थे जस्टिफाई कंटेंट। मैं चाह रहा हूँ
न्यू कोड यहाँ पे आई, इस ट्विटर का बटन यहाँ पे और न्यू कोड का बटन वहाँ पे आई, तो मैं इसके लिए एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जो कि बहुत आसान है स्पेस बिटवीन। अगर मैं सिर्फ वैसे ही करता मार्जिन पैडिंग के जरिए तो एक तो ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं रहना था, दूसरा ये कि जब हम लोगों ने इसे मार्जिन पैडिंग सेट करना था वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाना था। तो अब अगर मैं फ्लैक्स की प्रॉपर्टी के साथ यूज़ करके आपको दिखाऊँ तो ये ब्यूटीफुल और ये बिल्कुल सही जो है अपनी अपनी पोजिशन पर चले गए। तो ये हम लोगों ने कंटेनर के साथ भी प्ले कर लिया, तो अब ये कुछ अच्छा इंटरफेस लग रहा है। अब हम अपने बटन्स को स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो बटन को स्टाइल करने के लिए, तो जी अब हम बटन को स्टाइल कर लें तो मेरे पास, मैं यहाँ पे बटन का सिलेक्टर ले लेता हूँ और बटन सिलेक्टर को लेने के बाद मैं यहाँ पे कर्सर, अगर मैं इसका आपको दिखा सकूँ तो ये इसे मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर में। तो अगर मैं आपको इसका कर्सर दिखा सकूं तो ये मुझे कुछ यूं नज़र आ रहा है कि जब मैं बटन पे या इस पे न्यू कोड वाले बटन पे ओवर करता हूं तो ये अभी माउस का साइन ही रह रहा है। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस पे ओवर करूं तो ये कर्सर यानी कि पॉइंटर का साइन बन जाए। तो उसके लिए सिंपल मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊँगा और मैं यहाँ पर जाके कर्सर को पॉइंटर में कन्वर्ट कर दूँगा। क्लियर। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे होऊंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंटर का साइन बनना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अब हम इसका फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, फॉन्ट साइज इट शुड बी 1.2 रैम, आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ले सकते हैं, 1.3 भी ठीक है, 1.2 ले लेते हैं। ये देखें इसका सारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। और उसके बाद हम लोग इसकी हाइट लेते हैं, इनकी हाइट 2.5 रैम ठीक है। और इसका बॉर्डर जो है वो नन कर देते हैं, उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल ले लेते हैं और कलर जो है वो इसका वाइट कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका हम लोग कुछ इस तरह का कर लेते हैं, हैश 333, थोड़ा सा डार्क। और अब आप देखें तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मैं इसकी आउटलाइन जो है वो नन कर देता हूँ और पैडिंग हम इनके अंदर दे देते हैं, पैडिंग एक हम देते हैं 0.5 रैम, देन 1.8 रैम इसकी पैडिंग दे देते हैं और 0.5 रैम की पैडिंग और 1.8 ठीक है। और अगर इसे मैं आपको दिखाऊं तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बटन की स्टाइलिंग यहाँ तक हो चुकी है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बॉक्स शैडो अप्लाई कर दें तो ज़रा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, 0.3 रैम और RGB में मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, 121 121 121। और ये आप देख सकते हैं कि 0.7 अगर मैं 7 लूँ तो ये थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं 0.65 करके, ठीक है 0.6 कर लेते हैं। अब परफेक्ट मुझे मतलब कि बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आप अपने मुताबिक इसे सेट कर सकते हैं। तो ये हमने बटन की स्टाइलिंग कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि बटन पे जब भी ओवर करेंगे थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, ठीक है। तो बटन और इसके ओवर करने पे मैं थोड़ा सा ब्राइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ करूँगा। फ़िल्टर के फंक्शन में हम सिंपल इसे ब्राइट कर सकते हैं, लाइक मैं इसकी ब्राइटनेस चाह रहा हूँ तो मैं इसकी ब्राइटनेस लिखता हूँ 110%। और अब मैं अगर उसे चेक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्राइट हो गई, ये आप ब्राइटनेस देख सकते हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रही होगी, अगर आपको जब आप इसे क्रिएट करेंगे तो आप इसे जूम करके इजीली आपको ये नज़र आ जाएगी। अच्छा, तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी ब्राइटनेस क्रिएट कर ली। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ जब बटन पर क्लिक हो तो थोड़ा सा बटन अप मूव हो जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट
और मैं यहाँ पे इसे 0 और 0.3 रैम तक इसे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं बॉक्स शैडो भी अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। तो बॉक्स शैडो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो लिख रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 0.1 रैम और RGB अप्लाई कर देता हूँ 255, ये इसी को मैं 0.7 ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे देखूँ तो अब मैं जब भी इसे क्लिक करूँगा तो ये एक अच्छा सा इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स शैडो भी अप्लाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग ट्विटर के बटन पे वर्क कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं देखो ट्विटर पे बटन पे ओवर करता हूँ तो इसको थोड़ा सा ब्लू कलर में होना चाहिए जो ट्विटर का ऑफिशियल कलर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्विटर बटन की क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ट्विटर और ट्विटर बटन, ठीक है, ट्विटर बटन यही क्लास है। और इसका मैं सिलेक्ट करके ओवर की प्रॉपर्टी पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका कलर लेता हूँ, कलर इसका कुछ हमें यूँ मिलेगा 38 और A1F3, ये कलर बिल्कुल ट्विटर का कलर है। आप इसे आप ट्विटर की वेबसाइट पर कलर पिकर यूज़ करके इसे गेट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली इसे इसी तरह टाइप करते हैं। तो ये देखिए एक अच्छा सा ट्विटर का हमें ओवर करने पे मिल रहा है। और इसका लोगों का थोड़ा सा फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर दूँ, तो मैं FA ट्विटर मैं आइकन का साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका फॉन्ट साइज 1.5 रैम रख देता हूँ। तो ये आई होप कि ये अच्छा लगेगा। तो ये देखें थोड़ा सा ये साइज जो है वो इसका इंक्रीज हो चुका हुआ है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं इसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से भी 7 चिपका हुआ है और यहाँ से भी 7, मतलब इसके 7 है। वैसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसे इनमें पैडिंग ले आए तो आई होप कि ये हमें अच्छा नज़र आएगा, या हम इसमें मार्जिन लगा लें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा नज़र आएगा। तो मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ही अप्लाई होगा, क्योंकि मैं इस बॉक्स को चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस दीवार से, मतलब कि लेफ़्ट से भी हो और राइट से भी हो, तो इसके लिए मैं मीडिया क्यूरी अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पर कमेंट देता हूँ मीडिया क्यूरी आप सबसे लास्ट पे अप्लाई करें, क्योंकि हमें समटाइम चेंजेस करनी पड़ती हैं तो हम इजी टू फाइंड हो जाता है अगर हम लोग सबसे लास्ट पे अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे ऐड मीडिया स्क्रीन और मैं इसे अप्लाई करता हूँ जनरल सबके लिए, एक टैबलेट और स्मॉलर उसे विड्थ के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मीडिया स्क्रीन एंड और मैं मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे आएगी 1000 पिक्सल, ठीक है, 1000 पिक्सल पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे कोड कंटेनर की जो मार्जिन है वो मैं लेफ्ट राइट अप डाउन ऑटो मार्जिन लेता हूँ ऑटो एंड 10 पिक्सल लेफ्ट राइट। तो आई होप कि ये वर्क करेगी। अगर मैं आपको अब दिखाऊँ तो ये देखें यहाँ से 10 पिक्सल की और यहाँ से लेफ्ट और ऊपर से और नीचे से यहाँ पे ऑटो आ गई। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ना ज़्यादा लग रहा है अगर हम मोबाइल व्यू में, तो इस फ़ॉन्ट साइज़ को भी हमें कम करना चाहिए। तो उसके लिए मैं कोड टेक्स्ट की क्लास यूज़ करूँगा, कोड टेक्स्ट, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं अगर रखती हूँ 2 रैम, तो आई होप कि ये बेस्ट रहिए। देखें तो इट्स परफेक्ट, 2.5 रैम भी रख सकते हैं। तो अब देखते हैं, तो अब ज़रा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने HTML CSS के ज़रिए इसका UI जो है वो यूज़र इंटरफेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। तो जी, अब हम लोग स्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। और स्क्रिप्ट की फ़ाइल में सबसे पहले तो मैं वो सारे एलिमेंट गेट कर लूँ जो मैंने यहाँ पे ID के अंदर लिखे हुए थे, लाइक कोड कंटेनर है और कोट है और ऑथर, वो सारे एलिमेंट मैं यहाँ पे गेट करता हूँ डोम को यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट
और यहाँ पे सबसे पहले मैं कोड कंटेनर का वेरिएबल बना देता हूँ, कोड कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं यहाँ पे उस आईडी का नाम पास कर देता हूँ कोड कंटेनर, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कोड टैक्स की बात कर लेता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोड। इसी के साथ मैं एक और यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट ऑथर टैक्स, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं इसको ऑथर ले लेता हूँ। इसी के साथ एक और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट और ट्विटर बटन को गेट कर लूँ, ताकि जब हम इस पर क्लिक करें तो ट्विटर की API को यूज़ करते हैं हम लोग वहाँ पे जा सके। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्विटर। उसके अलावा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट न्यू कोड बटन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी आईडी भी हम लोगों ने न्यू कोड रखी थी। तो ये सारी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे गेट कर लिए। अब इनमें मैं डायनामिकली चेंजिंग कर सकूँगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने गेट कर लिए। अब सबसे पहले हम लोग API से कोड को गेट करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ गेट कोड फ्रॉम API। अच्छा, अब इसके लिए जो हम लोगों ने API यूज़ करनी है वो हम लोग फॉरिस्मेटिक की API यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे फॉरिस्मेटिक API बोल करता हूँ, फॉरिस्मेटिक API। फॉरिस्मेटिक API के अंदर हम लोग ईजीली यहाँ पे हम लोग ये API को यूज़ करते हुए हम ईज़िली कोड्स को ले लेंगे, और यहाँ पे मैं जो गेट के ज़रिए हम यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जेसन भी मिल जाएगा कि इंटीजर फॉर्मेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर इजीली देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली API को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं अब यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ async फंक्शन, और इसका नाम मैं रखता हूँ गेट कोड, ठीक है। ये मैंने फंक्शन का नाम रख लिया। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट API URL यूज़ करता हूँ, कॉन्स्ट API URL। तो मैं यहाँ पे वो API जो मैंने की थी, सॉरी, वो मैं इसको पेस्ट करता हूँ सिंगल कोट्स में, और 1.0 के बाद मैं यहाँ पे मेथड की बात कर लूँ, तो मेथड इक्वल टू हमें गेट कोड का मेथड हमें चाहिए, जो हमारा मेथड है गेट कोड एंड लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश, इंग्लिश में हमें कोड्स चाहिए। तो ये यहाँ पे EN इंग्लिश लगा दिया, और साथ ही हमें जेसन के फॉर्मेट में चाहिए, तो फॉर्मेट हमारे पास क्या होना चाहिए, जेसन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे API के अंदर URL दे दिया, ठीक है। अब हम लोग इसे चेक करते हैं, तो ट्राई, और ट्राई के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट के अंदर मैं इस API को फैच करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फैच फंक्शन यूज़ करता हूँ अवेट वाल, तो मैं यहाँ लिखता हूँ API URL, ठीक है, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ API URL, और ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे डाटा जो है वो मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट डाटा, डाटा मैं ले लेता हूँ अवेट में, अवेट रिस्पॉन्स जब तक फेच करके रिस्पॉन्स नहीं आता, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है।
और अब मैं यहाँ पे इनको शो करवाना चाह रहा हूँ। तो एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक कोई गड़बड़ी हुई है। ये अच्छा ट्राई कैच की थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर कैच यूज़ करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक काम ये कर लेता हूँ कि अगर ऑथर की फील्ड ब्लैंक है, यानी कि अगर अननोन है, तो मतलब कि अगर खाली, अभी तो मैंने यहाँ पे खुद लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर किसी रिस्पांस में हमें ऑथर जो है वो अननोन फील्ड प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ मैं यहाँ पे कमेंट में पहले लिख भी दूँ कि हम लोग ये किस वे से कर रहे हैं, इफ़ ऑथर फील्ड ब्लैंक, ठीक है। अगर वो खाली होगी तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे डाटा डॉट कोड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड ऑथर, ठीक है, जो हम लोगों ने इक्वल टू, अगर वो ब्लैंक है, अगर उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करना है, फिर आपने ऑथर के जो टेक्स्ट है उसको आप लोगों ने असाइन कर देना इनर टेक्स्ट की क्लास को, हम लोग टॉम को यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इसे असाइन कर देना है यहाँ पे अननोन, ठीक है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करना है, एल अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने ऑथर को, ऑथर टैक्स को वही टैक्स असाइन करना है जो हमें रिस्पांस के अंदर मिल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे वही टैक्स असाइन करवाता हूँ जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके मैं डाटा डॉट कोड ऑथर, ये इसमें हमें वो रिस्पांस में हमें मिल रहा होगा। तो ये हम लोगों ने ऑथर के लिए किया। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग इसे डायनामिकली चेंज करते हैं कि अभी लास्ट में मैंने स्टाइल में एक लॉन्ग कोट की क्लास यूज़ की थी कि अगर कोटेशन लंबी आ जाती है, सपोज काफ़ी ज़्यादा लंबी कोटेशन आ जाती है, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग कोट क्लास ये यूज़ की हुई है कि हम लोग उसका साइज़ क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ये चेक भी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। मैंने बताया था कि जब हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो हम सबसे इसे भी हम लोग साथ ही देख लेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग कोट की क्लास के साथ काम करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर कोटेशन लंबी आ जाती है, ठीक है, लॉन्ग कोट क्लास, अगर कोटेशन लंबी आ जाती है तो क्या करना है, इफ डाटा डॉट कोट टेक्स्ट, ठीक है, ग्रेटर देन डॉट लेंथ, सॉरी यहाँ पे लेंथ भी अप्लाई होगी, जी टी एच ही होता है ठीक है 120, अगर ये 120 है तो यहाँ पे कोट टेक्स्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे आपने लॉन्ग कोड से करार देना है, मतलब कि जो जो हमारे पास कोड का टैक्स 120 से ज़्यादा होगा तो वो लॉन्ग कोड है, अगर एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमने ये वाली क्लास को क्या कर देना है, रिमूव, मैं इसकी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो हमने इसी क्लास को रिमूव कर देना है, क्लियर। तो हम लोग इसी को रिमूव कर रहे हैं, अच्छा ये भी हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे लास्ट पे लिखते हैं कि कोड टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू कोड टेक्स्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। और कैच में हम लोग यहाँ पे देते हैं कि एरर को गेट करो एरर, और गेट कोड के फंक्शन को हम लोग यहाँ पे भी रन करवा देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग लोड के ऊपर भी गेट कोड के बटन को यहाँ पे मैं भी ऑन लोड में करूँगा, जब भी पेज लोड हो तो गेट कोड का जो है फंक्शन वो चलना चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे लोड करवा के देखता हूँ। तो मैं अब लाइव सर्वर में जा रहा हूँ और ये मेरे पास है, तो अब मैं इसे रीलोड करूँगा
आई थिंक कोई एरर आ रहा होगा लास्ट पे। अगर मैं इसके कंसोल में जाऊँ तो ये एरर आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसके सलूशन के लिए सिंपल मैं यहाँ पे एक सलूशन है जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अक्सर, मैं यहाँ पे एक प्रोक्सी यूआरएल को यूज़ करके इस सलूशन को रिजोल्व करने की ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं प्रोक्सी यूआरएल को यूज़ कर लेता हूँ, प्रोक्सी यूआरएल इक्वल टू। अब यहाँ पे एक यूआरएल जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मैं वो ऐड करता हूँ HTTPS और कोलन, और जिससे हम लोगों ने सिंपल यूज़ किया था कोर्स एनीवेयर और डॉट हीरो क्यू ऐप डॉट कॉम और उसके बाद आ गया हमारे पास स्लैश। तो इस अगर हम लोग इसको इसके साथ मर्ज करके एंटर करें तो आई होप के ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा। तो मैं इसे इसके साथ मर्ज करके सेंड करता हूँ, और अब अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आई होप के इट शुड बी वर्क अनकोड इन प्रोमिस मैक्सिमम कॉल स्टैक एक्सीड लाइन नंबर 35 पे कोई एरर आ रहा है। और मैं यहाँ पर गेट कोड के फंक्शन को कॉल करूँ, तो यहाँ पे कॉल स्टैक साइज एक्सीड कर रहा था रेंज और साइज एक्सीड तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पर कंसोल में अगर प्रिंट करवा के देखूँ कंसोल डॉट लॉग ठीक है, अगर मैं कंसोल में प्रिंट करवा के देखता हूँ अनकोड रेफरेंस एरर डेटा इज नॉट डिफाइंड। इसे वर्किंग करना चाहिए लेकिन यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहा। अच्छा सॉरी, हम लोगों ने एक गलती की है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोक्सी URL के साथ हम लोगों ने ये नहीं लिखा हुआ, तो देखिए आप यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है। आई होप कि अब ये वर्किंग ठीक करेगा। तो मैं इसे अब कंसोल की बजाय इसे गेट कोट में ही इसे कर देता हूँ, गेट सॉरी गेट कोट, और यहाँ पे भी एक गलती हमारी हो रही थी जिसे मैं लिखता हूँ डाटा डॉट कोट टेक्स्ट ठीक है, अब ये सही वर्किंग करेगा। तो अब अगर इसे मैं रीलोड करूँ तो अब क्या एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है कोई, एंड ऑफ इनपुट डाटा डॉट कोड टेक्स्ट एंड अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट लाइन नंबर 42 पे। ओके लाइन नंबर 42 पे यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास ठीक है। अब इसे अगर मैं रिलोड करता हूँ तो आई होप इट शुड वर्क।
यहाँ पे मैं कोड गेट कोड को दोबारा कॉल करवा रहा था, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे डाटा डॉट कोड टेक्स्ट को कॉल करना था, ठीक है। और अब अगर इसे मैं रिलोड करूँ तो ये अब वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इट विल वर्क, द पावर ऑफ इनिशियल। अब आपके सामने हमने यहाँ पे API को सक्सेसफुली रन कर लिया। छोटे छोटे एरर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, तो मैंने अभी अभी इस वीडियो के अंदर ही रहने दूंगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया इसको रिजॉल्व करते हुए। लेकिन आई होप कि आपने भी इसमें काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, हम लोग एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाती हैं। अच्छा, अब हम लोग ट्विटर बटन की ट्वीट बटन के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर लें। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन ट्वीट कोट, क्लियर। और यहाँ पे मैं ट्वीट कोट के फंक्शन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं कोट को कोट इक्वल टू कोट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। उसके साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑथर इक्वल टू ऑथर टेक्स्ट डॉट इनर HTML, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट ट्विटर URL, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब ट्विटर की जो URL है मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सिंगल क्वोट्स में, https://twitter.com/intent/tweet। आप इस API को यूज़ करके सिंपल जो है ट्विटर पे आप लोग पेस्ट कर सकते हैं अपना कोई भी मैसेज अपने वेब पेज से। तो मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट को यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता हूँ अपनी कोड की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड और आगे डैश का साइन, और साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथर, ठीक है। और अब मैं इसे यहाँ पे एंड पे स्टेट टर्मिनेटर लगा देता हूँ, और अब मैं नेक्स्ट विंडो में खोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडो डॉट ओपन, और यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ ट्विटर URL, और मैं इसे नेक्स्ट विंडो में ओपन करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे ब्लैंक, जिस तरह हम लोग HTML फॉर्म्स के अंदर यूज़ करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इवेंट लिस्नर ऐड कर लूँ, बटन्स इवेंट लिस्नर्स, ठीक है। इवेंट लिस्नर्स में मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ कि न्यू कोट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। जब हम न्यू कोट बटन पे क्लिक करें तो क्लिक के फंक्शन में मुझे चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और साथ ही आर्गुमेंट पास कर देता हूँ गेट कोड, मतलब कि हमें इस पे ये वाला फंक्शन रन करना है। और जब हम लोग ट्विटर बटन पे क्लिक करें तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट ट्विटर बटन और डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक, और यहाँ पे लिखता हूँ ट्वीट कोट, ट्वीट कोट, ठीक, सॉरी ट्वीट, जो अभी हम लोगों ने फंक्शन बनाया मैं उसी को कॉल करना चाह रहा हूँ, तो ट्वीट और यहाँ पे कोट, क्लियर। तो ये अब मैंने यहाँ पे इन्हें ऐड कर दिया। तो अब अगर मैं इसको अप्लाई कर सकूँ तो न्यू कोड पे क्लिक करता हूँ, इसे फिर इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा बट टाइप ऑफ एरर है। अच्छा, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए जब मैंने इसे गूगल किया तो मुझे एक ये API मिली, जिसे मैं यूज़ करके अभी आपको दिखाने लगा हूँ कि हमारी जो पहले वाली API थी वो वर्क नहीं कर रही थी, तो मैंने इस वाली API को यूज़ किया
तो आई होप कि ये आप भी जब यूज़ करेंगे तो ये आपके पास भी वर्किंग कर रही होगी, ये वाली API, ये सीक्रेट ओकेजन वाली, ठीक है। तो आप इस तरह से GitHub पे भी एरर को फाइंड कर सकते हो। मैंने इसे यहाँ पे अभी पेस्ट किया हुआ है, ये यहाँ पे, तो इसे मैंने चेंज किया। और अब इसे अगर मैं सेव करता हूँ और अब मैं ऐसे अगर अपने कोऑर्डिनेट पे जाऊँ तो यहाँ पे कोड्स आ रही हैं, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो न्यू कोड आ गई, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। मसला आ रहा था हमारी API का, मैंने उस API को रिजॉल्व किया। और इसके साथ मैंने एक और, अगर मैं ट्वीट बटन पे क्लिक करूँ तो ये नहीं चल रहा आई थिंक, कि मैं इसे चेक करता हूँ कंसोल में, तो आई थिंक यहाँ पे एरर आ रहा है ट्वीट कोड, ठीक है। ये लाइन नंबर ट्वीट कोड के फंक्शन में यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे कोड डिफाइंड नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके अगर अब मैं इसे रीलोड करता हूँ और अब मैं ट्विटर बटन पे जाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हमें ट्विटर की API पे ले आएगा और इस तरह से हमारी जो कोटेशन है वो आ जाएगी। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको ट्वीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ट्विटर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, और आप इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके मुझे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लें चैनल, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप लाजमी पूछ लें। ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एरर थे और मैंने इस वीडियो को एरर के साथ ही आप लोगों के सामने, मतलब के साथ साथ आपके साथ यहाँ पर किया। तो आई होप कि आपने भी इसमें बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।